हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम ऑन माय चैनल ट्रिपल टू टैरो रीडिंग्स। और आज हम रीडिंग करेंगे पिक अ कार्ड अगस्त 2024 के लिए। न्यू मंथ की प्रेडिक्शन आप लोगों के लिए आ गई है कि ये जो नेक्स्ट मंथ है वो आप लोगों के लिए कैसा होगा, इमोशनली, रोमांटिकली, स्पिरिचुअली, कैरियर वाइज, फाइनेंसेस, या ओवरऑल आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आ सकती हैं, आपको क्या ब्लेसिंग इस मंथ में मिल सकती हैं, क्या सरप्राइजेज या क्या सडन चेंजेस आ सकते हैं, और आपकी लाइफ में वैसे क्या होने वाला है। इस वक्त सैटर्न रेट्रोगेट है, नेपच्यून भी रेट्रोगेट है। मैं एस्ट्रोलॉजिकली प्लैनेट्स की बात कर रही हूँ। सो बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में चेंजेस आ रही होंगी, अवेयरनेस आ रही होगी, और कुछ लोग हो सकता है किसी डिफिकल्ट टाइम से गुजर रहे हों, तो आपने उस जो डिफिकल्ट टाइम, जिस जगह पर भी आपको चैलेंज मिल रहा है, वो सैटर्न की वजह से मिल रहा है। इसका मतलब यह है कि सैटर्न आपको उसी एरिया में, उसी जगह में आपको बार बार लेसन सिखाने की कोशिश कर रहा है कि आप उसमें जो है अपने आप को मास्टर बनाएं, अपने आप को वहाँ पर चीज़ों को कंट्रोल करें, वहाँ पर मैनेज करें, उस चीज़, उस मसले का हल ढूंढें, उस मसले को उसका सलूशन ढूंढें, कोई परमानेंट सलूशन ढूंढें उस सिचुएशन का, ठीक है। और अगर आप उसको यूं ही अवॉइड करते रहेंगे तो वो एक साइकिल आपकी लाइफ में चलता रहेगा, क्योंकि सैटर्न आपको रेट्रोगेट होकर यही चीज़ बता रहा है कि अब वो टाइम आ गया है कि इन नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर आप मुसलसल उसी एरिया में, जहाँ पे भी वो सैटर्न आपको उस जगह पे चैलेंज दे रहा है, एक स्पेसिफिक आपकी जगह है, आपकी लाइफ में एक चैलेंज है जो आपके उस एरिया में चल रहा है, ठीक है, तो उसका मतलब यह है कि वहाँ पे ही आपको, वहाँ पे स्ट्रगल होगी और वहाँ पे ही आपको चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा और वहीं पे ही आपको सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। नेपच्यून रेट्रोगेट आपको ये चीज़ सिखा रहा है कि अब टाइम आ गया है कि आप रियलिटी को फेस करें, अब आप टाइम आ गया है कि आप इल्यूजन्स में या चीज़ों से भाग नहीं सकते, अपने आप से नहीं भाग सकते, जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकते, रिलेशनशिप से नहीं भाग सकते, आप अपने आप से नहीं भाग सकते, तो वो सारी चीज़ें जिनसे आप पहले भाग रहे थे अब आपको फेस करनी पड़ेंगी हर हाल में। और जब सैटर्न रेट्रोगेट है साथ में, तो फिर तो फिर तो और ज्यादा चैलेंजेस और ज्यादा चीजों को आपको फेस करनी ही पड़ेंगी। और जितना आप उस जगह पे काम करेंगे, उस सिचुएशन में काम करेंगे जो इस वक्त आपकी स्ट्रगल है, उसका फिर आपको नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। और फुल मून भी अभी रिसेंटली गुजरा है और अगस्त में मरकरी रेट्रोगेट भी होगा। सो बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में एस्ट्रोलॉजिकली प्लैनेट वाइज मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं या होंगी, आप लोगों की लाइफ में चेंजेस आ रही हैं। लेकिन हम टैरो आउटपुट की प्रेडिक्शन से भी देखेंगे कि आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। ओवरऑल मैंने आपको एस्ट्रोलॉजिकली बता दिया है कि नेक्स्ट मंथ में क्या होगा और ओवरऑल आपकी लाइफ में इस वक्त क्या हो रहा है। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आपके सामने दो पाइल हैं, आप इंट्यूटिवली अगर पिक करना चाहते हैं तो पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2। लेकिन अगर आप इस तरह नहीं पिक कर सकते तो उन लोगों के लिए यहाँ पे इनिशियल्स हैं, तो आप अपने इनिशियल्स जो भी इस पाइल नंबर 1 में हैं और ये पाइल नंबर 2 में हैं, आप उसके लिहाज से अपनी पाइल को देखेंगे और आपके लिए प्रेडिक्शन होगी, ठीक है। ये वीडियो जो है वो जनरल रीडिंग है, जैसा कि मैं हमेशा आपको कहती हूँ, जो चीज़ रेजोनेट्स होगी आप उसी चीज़ को क्लेम करेंगे, जो चीज़ नहीं करी उसमें फिट होने की, या उसमें आप ये मत सोचें कि ये आपके लिए रीडिंग है। हज़ारों लोग, लाखों लोग इस वीडियो को देखते हैं और ये आपके लिए हो नहीं सकती, क्योंकि दिस इज़ नॉट योर पर्सनल रीडिंग। लेकिन अगर कोई चीज़ आपको सामने आ रही है और आप उस चीज़ को फेस कर रहे हैं और वो आपकी एनर्जी है, इसका मतलब उसमें वाकई आपको गाइडेंस की ज़रूरत थी और आपको वहाँ पे अब आपको गाइडेंस मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना आपने नहीं भूलना है विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे, लेट्स गो। हेलो ग्रुप नंबर 1, जिनकी इनिशियल्स ये हैं, वेलकम ऑन योर रीडिंग। मैं आप लोगों के लिए जो है साइकिकली इंट्यूटिवली पिक कर रही थी, आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है लाइक आपको मिले, कोई कॉम्प्लीमेंट मिल सकता है आपको इस मंथ में, ठीक है। लोग आपको लाइक करेंगे अगर आप किसी ऐप पे या सोशल मीडिया पे हैं, या हो सकता है आप किसी ऐप को ज्वाइन करें या किसी सोशल मीडिया पे अगर आप कोई काम करते हैं तो आपको ज़्यादा लाइक मिलेंगे, या लेट से आपको लोग ज़्यादा फॉलो करेंगे, कुछ इस तरह से एनर्जी आ रही थी। आप हो सकते हैं, ज़्यादातर लोग मुझे लग रहे हैं आप फ्यूचर स्पाउस को अपने मैनिफेस्ट कर रहे हैं या अपने स्पेसिफिक पर्सन को। और जो लोग एग्जाम कर रहे हैं उन लोगों के लिए एग्जाम का भी कोई, एग्जाम की भी कोई न्यूज़ हो सकती है, या तो आप एग्जाम से फ्री हो रहे हैं या आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो आपके लिए सही रहेगा स्टूडेंट्स के लिए। ओके, ओवरऑल आप देखते हैं कि ओवरऑल आपकी एनर्जी क्या है इस मंथ की, और उसके बाद हम मजीद लव, कैरियर और ओवरऑल चीज़ों को देखेंगे। सो वी हैव अ फायर, द एलिमेंट ऑफ फायर हेल्ड्स न्यू लाइफ, रिन्यूड पैशन एंड पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, आप में से काफ़ी सारे लोग फायर साइन हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, या कोई फायर साइन आपकी लाइफ में आ रहा है, बट इट इज़ आल्सो यहाँ पे ये बात हो रही है कि आपको एक रिन्यूड लाइफ मिल रही है, कोई किसी पैशन को आप फॉलो करेंगे, किसी चीज़ को लेकर आप एक्शन करेंगे, कोई आपके अंदर पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, ठीक है, आपके अंदर हीलिंग हो रही है या आप आगे बढ़ रहे हैं, तो इन चीज़ों को आप फेस करेंगे इस मंथ में। ओवरऑल देख लेते हैं, नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, फिर हमारे पास है 10 ऑफ वांड्स एंड टेम्परेंस रिवर्स, या आप डेफिनेटली, आप हो सकता है सैजिटेरियस हैं या सैजिटेरियस के साथ डील कर रहे हैं, एरीज या लियो, आप टॉरस भी हो सकते हैं या कैप्रिकॉन।
अच्छा एक चीज़, आपकी ओवरऑल एनर्जी जो आ रही है ना, आपकी ये आ रही है, या फायर आपके अंदर जो एलिमेंट है ना, वो आपको कहीं बैठने नहीं दे रहा, या इस मंथ में हो सकता है आपको ज़्यादा फायरी हो, क्योंकि टेम्परेंस रिवर्स है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप जल्दी जल्दी करना चाह रहे हैं, ठीक है, आप चाहते हैं कि जल्दी जल्दी ये चीज़ हो जाए, जल्दी जल्दी ये चीज़ मुझे मिल जाए, या जल्दी जल्दी ये सारे काम हो जाए, ऐसा नहीं होगा। तो आपने बेसब्री से, आपने अगर आपने जल्दी में कोई काम किया तो वो आपके लिए फिर उल्टा आपके ऊपर पड़ जाएगा, नुकसान हो जाएगा, या आपके अंदर ये अपनी ये आपकी हैबिट है जिसको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। अब आप में से कुछ लोगों के लिए गुस्सा भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे लग रहा है फायरी एनर्जी है आपकी, काफ़ी फाइस्टी एंगर आ सकता है, या आप काफ़ी इस मंथ में आप ज़्यादा शायद चीज़ों को फेस करें, एंग्री हो सकते हैं आप, फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हैं चीज़ों को लेकर, जैसे आप चाह रहे हैं वैसे नहीं हो रही, प्रोसेस बहुत स्लो है, या प्रोग्रेस बहुत स्लो है, और आप काफ़ी इरिटेटेड या फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हैं अपनी वर्क प्रोग्रेस को लेके, या जो चीज़ आप करना चाह रहे हैं जल्दी जल्दी खत्म हो वो नहीं हो रहा है, कुछ किसी चीज़ को लेके फ्रस्ट्रेशन है जो आप चाहते हैं कि जल्दी हो लेकिन वो चीज़ नहीं हो रही। जितना आप जल्दी कर रहे हैं उतना ही आपको ऊपर वाला कह रहा है नहीं, ऐसा नहीं मिलेगा। लव भी हो सकता है, शायद लव के मामले में भी हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए कैरियर भी हो सकता है। अच्छा मुझे ये भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोग फाइनेंशियली कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप कोई वर्क कर रहे हैं तो आप कहते हैं जल्दी जल्दी बस उसमें आपको प्रमोशन मिल जाए, सक्सेस मिल जाए, मेहनत भी ना करनी पड़े और ऐसे हो जाए, नहीं, उन लोगों के लिए डेफिनेटली सैटर्न शायद आपको यही सबसे बड़ा आपको चैलेंज दे रहा है कि ऐसे नहीं होगा। टेक कंट्रोल ऑफ योर मनी, अपनी लाइफ को सीरियसली लें, ठीक है, अपनी हेल्थ को सीरियसली लें। आप ऐसे कुछ लोग हेल्थ वाइज भी जो भी आपके अंदर हैबिट्स हैं, जो जल्दी करना और चीज़ों को सोच समझ के ना करना, चीज़ों को हैंडल ना करना, आप ये गलती बार बार कर रहे हैं और बार बार आपको ये चीज़ सिखाई जा रही है। मुझे लगता है आप ऑलरेडी ये काफ़ी अरसे से इन चीज़ों को डील कर रहे हैं। अच्छा इस मंथ में भी हो सकता है कोई चीज़ आप जल्दी में करना चाहें, जल्दी होगी नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली सैटर्न रेट्रोगेट है, तो अभी जो काम है वो जितने भी आप अगर करने की कोशिश करेंगे प्रोग्रेस इज़ वेरी स्लो। तो आपके लिए सबसे बेटर और बेस्ट चीज़ यही है कि अभी आप चीज़ों को फास्ट करने की कोशिश मत करें, अभी कोई मजीद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने ऊपर ना डालें, जो पहले वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको पहले क्लियर करें, जो पहले वाले वर्क पड़े हैं, पेंडिंग पड़े हैं, या पहले आप जो चीज़ करना चाह रहे हैं उन चीज़ों को हील करें। रिलेशनशिप वाइज भी मैं आपको यहाँ पे सजेशन दूंगी, अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में रिलेशनशिप हो, या आप चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें, पहले अपने आप को संभालें, क्या आप रिलेशनशिप के लिए रेडी हैं। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो सिंगल हैं, या आप लेट्स से कि आप रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, शादी करना चाह रहे हैं, आप मैरिज को यू नो अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सीरियस क्वेश्चन ये है, क्या आप रेडी हैं उन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए, किसी और का यू नो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, उन सारी चीज़ों को हैंडल करने के लिए, थिंक अबाउट इट। तो ये वाले जो मंथ है वो आपको इन सारी चीज़ों की जो है वो जो है आपको अवेयरनेस देगा शायद, या आप डील कर रहे हैं ऑलरेडी। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, आप रिलेशनशिप में हैं, तो वहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि लूज टेम्पर हो सकता है आपका या आपके पार्टनर का, तो एक इंसान डेफिनेटली लूज करेगा। अगर आप काफ़ी फायरी हैं तो आपको गुस्सा आ सकता है, या आप इरिटेटेड या फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हैं, और आप किसी और पे अपना गुस्सा निकाल सकते हैं। और अगर आप ऐसे नहीं हैं तो आपके पार्टनर आप पे करेगा, आपको अंडरस्टैंड करना है कि इस वक्त जो है वो सिचुएशन वो थोड़ी सी प्लैनेट्स की वजह से ऐसा चल रहा है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रगल भी है, जिससे कंटिन्यूस कोई चीज़ ऐसी है जो आप स्ट्रगल कर रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ है जिससे आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज से शायद भाग रहे हैं, तो आप जितना भी भागेंगे वो वहीं के वहीं खड़े रहेंगे, उसमें कोई प्रोग्रेस नज़र नहीं आ रही। कोई ऐसी सिचुएशन है, कोई ऐसी, आप अगर सोच रहे हैं कि मैं हील कर चुका हूँ, मैं कर चुकी हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं फाइन हूँ, ऐसा नहीं है। जैसे ही आप रिलेशनशिप में घुसेंगे, आप जैसे ही रिलेशनशिप में एंटर होंगे, जैसे ही आप किसी के साथ डील करेंगे, वो इंसान आपको ऐसी चंगारी लगाएगा, वो इंसान आपको ऐसा ट्रिगर करेगा, आप बोलेंगे नो। तो शायद यही मसला है आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए, बिकॉज ऑफ योर फायरी टेम्परामेंट या फायरी प्लैनेट और एनर्जी जो भी है, आप अगर रिलेशनशिप में जाते भी हैं तो वो चलते नहीं, इट्स वन साइडेड, या आप वन साइडेड रिलेशनशिप में हैं और आपको ये कॉन्टिन्यूस स्ट्रगल है, तो ये डेफिनेटली कोई चीज़ है जो आपके अंदर, अपने आप को देखें क्यों आप इस सिचुएशन को नहीं हील कर रहे, क्या वजह है, या अगर आपका रिलेशनशिप नहीं चल रहा तो क्या वजह है, व्हाट इज़ द रीज़न। कुछ ना कुछ तो वहाँ पे इशू होगा ना, कुछ तो प्रॉब्लम है आप में या अगले इंसान में। अगर अगले इंसान में है तो अपने आप को प्रोटेक्ट करें, व्हाई यू आर डूइंग सो मच वर्क, आप अगले इंसान का भी वर्क खुद ही कर रहे हो। तो ये आपको इस मंथ में अवेयरनेस आएगी, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इस वक्त आप जल्दी करना चाह रहे हैं, वैसे होगा नहीं। लेट्स सी, ओवरऑल मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जी निकाल लेती हूँ, देख लेते हैं आप लोगों की कैरियर में क्या होगा, कैरियर वाले लोगों के लिए क्या है यहाँ पे, लेट्स सी कैरियर, या फाइनेंशियली मुझे लगता है आपको डिफ़िकल्टी हो रही है, या पैसे हैं नहीं, या आप बिल्कुल आते हैं तो उड़ जाते हैं तनख्वाह, मतलब जैसे लेट्स से सैलरी मिलती है आपको 10 दिन के अंदर ही, हफ्ते के अंदर ही वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। मनी मैनेजमेंट, पुअर मनी मैनेजमेंट है आपके अंदर, तो उस चीज़ों में वो चीज़ें सैटर्न आपको सिखा रहा है कि आपको कैसे वो चीज़ें हैंडल करनी है। और आप ऐसे कुछ लोग आप किसी और पे को डिपेंडेंट हैं, लेकिन वही चीज़ आपको सैटर्न सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कब तक आप ऐसे रहेंगे।
यू हैव टू टेक योर मनी सीरियसली, योर फाइनेंसेस सीरियसली. लेट्स सी और देख लेते हैं. इस मंथ में हो सकता है कि आपको आपके सर पे कुछ ज़्यादा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी हो मनी वाइज, कोई अचानक ही आपके ऊपर या घर में कोई अचानक खर्चे हो सकते हैं, ठीक है, या फजूल खर्चे भी हो सकती है, ठीक है. फजूल खर्चे यूँ के भी मतलब उन चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं है, बट यू विल डेफिनेटली डू इट. शायद आप घर के लिए लेंगे खरीदने की कुछ चीज़, या पार्टनर के लिए, या कुछ ऐसी चीज़ जो ज़रूरत नहीं है उन चीज़ों की. यू नीड टू थिंक अबाउट इट. आपको अपना बजट देखना है, उसके मुताबिक आपने चलना है. कुछ लोगों के लिए जिनको फाइनेंशियल कोई पिंच मिला हुआ है या फाइनेंशियल डिफिकल्टी है, अपने घर का बजट देखें फिर देखें, और उसके बाद उसको मैनेजमेंट करें उसकी, क्योंकि यही चीज़ आपको समझ नहीं आ रही और यही चीज़ आपको बार बार सिखा रही है. और कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल जो डिफिकल्टी ये हो सकती है कि आप अपने घर वालों पे को डिपेंडेंट हैं या अपने पार्टनर पे को डिपेंडेंट हैं, कोई और इशू चल रहा है घर में, आपको कोई ना कोई ऐसा पिंच लग सकता है इस मंथ जो अचानक खर्चा हो सकता है फाइनेंशियल, ठीक है, घर में, या कोई घर में कोई पार्टी हो सकती है, या आप कोई किसी की शादी है वहाँ पर जाते हैं तो आप बहुत सारा पैसा उड़ा लेते हैं, खर्च कर लेते हैं. तो बी केयरफुल विद दैट मनी. आप में से कुछ लोग शायद इसलिए भी स्ट्रगल कर रहे हैं फाइनेंशियली कि शायद आप अपना घर बनाना चाह रहे हैं. कुछ लोगों के लिए मुझे ये डिफिकल्टी नज़र आ रही है, ठीक है, वो इशू भी आपके अंदर नज़र आ रहा है, लेकिन यू डोंट हैव सेविंग. ऐसा लग रहा है कि सेविंग है ही नहीं, तो फिर घर कैसे बनेगा. वो उन लोगों के लिए भी डिफिकल्टी हो रही है यहाँ पे, मुझे लग रहा है इट्स अ प्रॉब्लम. बट लेट मी सी व्हाट्स मोर. या मुझे लगता है कि आपको डेफिनेटली फाइनेंशियली अपनी चीज़ों को सीरियस लेना पड़ेगा, और मुझे लग रहा है नेक्स्ट 4 to 7 weeks के अंदर और मंथ के अंदर हो सकता है आपकी कुछ इस फाइनेंशियल सिचुएशन बेटर होगी. कुछ लोगों के लिए जॉब है, लेकिन ये जॉब आपको आउट ऑफ सिटी मिलेगी. आप हो सकता है अपने घर में ही हैं, अपने सिटी में हैं, टाउन में हैं, या कंट्री में हैं, तो मुझे नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए एडवाइस ये है विद द चैरियट कि आप मूव करें. आप शायद ट्रैवल करें, या आप मूव करें, या आप जॉब को कहीं और ढूंढें, किसी और प्रोफेशन को करें. अगर एक प्रोफेशन में आपका वर्क नहीं चल रहा और वहाँ पे आपको स्टेबिलिटी नहीं मिल रही, डू समथिंग बेटर, क्योंकि डेफिनेटली आपके पास इस वक्त बहुत सारी ऑप्शन हो सकती हैं और बहुत सारे काम है करने को विद द 7 of Cups, ठीक है. बहुत सारे आइडियाज़ हैं, बहुत सारे माइंड है, लेकिन आपको यहाँ पे डिटर्मिनेशन होगी, विल होगी, पावर होगी, तो आप आगे बढ़ेंगे, एक्शन लेंगे. और आपको मुझे यहाँ पे ट्रैवल करना मुझे लग रहा है, मुझे लगता है आपको ट्रैवल करना पड़ेगा. तो आउट ऑफ सिटी हो सकती है जॉब, आउट ऑफ टाउन हो सकती है, आउट ऑफ मे बी इवन कंट्री भी है, मुझे नहीं पता, बट यू हैव टू गो. तब जाके आपके फाइनेंशियल सिचुएशन, आपके घर के हालात बेटर होंगे. ये एडवाइस भी है आपके लिए और शायद डिसीजन भी है. और कुछ लोगों के लिए जैसे मैं कह रही थी, आपके एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं इस मंथ में, स्पेशली अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और आप कहीं की मतलब किसी की शादी है, कोई फंक्शन है, कोई आप अटेंड कर रहे हैं, तो वहाँ पे हो सकता है, या आपके अपने घर में ही है तो वो खर्चा आपका ज़रूर होगा. और गाड़ी की भी उस पर हो सकता है, ठीक है, पैसे लग सकते हैं घर पर या गाड़ी पर पैसे लगेंगे आपके इस मंथ में, तो उसके लिए भी रेडी रहें, मुझे ऐसा लगता है. या आप ऑलरेडी हो सकता है घर या गाड़ी पर आपका पैसा लग चुका है, तो अब सेविंग नहीं है. अच्छा, अब ओवरऑल रिलेशनशिप में देख लेते हैं, रिलेशनशिप में क्या है, ठीक है, आप लोगों के लिए. आप कैंसर हो सकते हैं, ठीक है, या आप कैंसर के साथ डील कर रहे हैं. यहाँ पे फायर साइन भी है, और स्पेशली यहाँ पे सेजिटेरियस लोगों के लिए है, और टॉरस के लिए है, कैंसर लोगों के लिए, उन लोगों को ये चीज़ें फेस करनी पड़ सकती हैं, और विरगो भी, ठीक है. या फाइनेंशियल, लुक एट दिस, रिलेशनशिप वाइज यहाँ पे टेंशन है, आपको स्ट्रेस है, आप वेट कर रहे हैं शादी कब होगी, या और स्ट्रगल है, मुझे लगता है आपका रिलेशनशिप में स्ट्रगल है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जब आप रिलेशनशिप में जाते हैं तो वो रिलेशनशिप चल नहीं पाता है. यूर फीलिंग लोनली हो, ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए. किसी ने आपको ब्लॉक किया हुआ है, उसकी भी आपको टेंशन है कि वो इंसान आपको कब अनब्लॉक करेगा, कब आपसे बात करेगा. और अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पे स्ट्रगल है, मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ इस मंथ में स्ट्रगल आप देख सकते हैं, ठीक है. चीज़ों को अवॉइड कीजिएगा, समझ नहीं आएगी, अचानक ही जैसे मैंने कहा लड़ाई झगड़ा हो सकता है, या बात बिगड़ सकती है हस्बैंड वाइफ में, जो लोग रिलेशनशिप में हैं. लेकिन जो लोग रिलेशनशिप में नहीं हैं, यू आर सिंगल, या आपको किसी का इंतजार है, ऐसा लगे यहाँ पर डिसेप्शन है किसी, या आप हो सकता है पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो, या इवन एयर साइन के साथ डील कर रहे हैं. किसी का एयर मून भी हो सकता है, लाइक जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मून, तो आपको इस बंदे की बिल्कुल, बंदे या बंदी, लड़का या लड़की जो भी है, मैन या वुमेन, उस इंसान की आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रही. आप दोनों ही, मुझे लगता है आप दोनों के दरमियान में कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है. एक इंसान ने ब्लॉक किया हुआ है, दूसरा बात नहीं करना चाहता, तो ये एनर्जी, ये स्ट्रगल चल रही है आप दोनों की. या यहाँ पर डिसेप्शन है, ठीक है, यहाँ पर डिसेप्शन है, आपको बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है ये इंसान आपके बारे में क्या फील करता है. आप वापस आएगा भी या नहीं आएगा, बात करेगा भी या नहीं करेगा. आप में से कुछ लोग शायद ऑलरेडी मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे हैं विद द 6 of Wands, क्योंकि आपको एक ऑफिशियल रिलेशनशिप चाहिए, आपको शादी चाहिए, कमिटमेंट चाहिए. अगर आप सिंगल हैं तो यू डेफिनेटली, मुझे लग रहा है अगर आप सिंगल हैं तो आपको ये टेंशन है कि शादी कब होगी. बहुत स्ट्रगल है मुझे लगता है, कोई ना कोई आपके बर्थ चार्ट में, प्लैनेट में मून और सैटर्न का जो है वो अफेक्ट है, जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप नहीं चल पा रहा, आपके रिलेशनशिप नहीं आगे बढ़ पा रहे, या वर्क नहीं कर रहे.
एक स्ट्रगल है, और आपके इमोशंस भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है. आप अपने इमोशंस को बैलेंस नहीं कर पाते, ये भी इमोशनल स्ट्रगल है. या तो आप बहुत इमोशनल हो जाते हैं, या आपके इमोशनल अपने आप को रेगुलेट करना, बैलेंस रखना आपके लिए बहुत डिफिकल्टी हो जाती है जब आप रिलेशनशिप में जाते हैं. इस पाइल के लिए स्पेशली आप ऐसे कुछ लोग डिसेप्शन से डील कर रहे हैं. कोई ऐसा इंसान जिसका आपको कुछ पता नहीं है वो क्या फील करता है, कब होगा, कभी कोई बात भी करेगा, आएगा भी सही, एक्सप्रेशन भी करेगा या नहीं करेगा. हो सकता है जिस इंसान के साथ आप डील कर रहे हैं उनकी प्रायोरिटी कुछ और है, ठीक है, आप जल्दी चाहते हैं वो नहीं चाहते, या आप चाहते हैं किसी लोड, कुछ ना कुछ ऐसे प्रॉब्लम आप दोनों के दरमियान में. लेकिन ओवरऑल मुझे लग रहा है कि आपको सक्सेस मिलेगी नेक्स्ट 6 वीक्स के अंदर या मंथ्स के अंदर. या तो आप आगे बढ़ रहे हैं या ये इंसान वापस आएगा, ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए. इट्स डिपेंड के सिचुएशन क्या है, लेकिन अभी जो सिचुएशन है वो काफ़ी डिफिकल्ट चल रही है मुझे लगता है, रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए तो. कुछ लोगों के लिए न्यू लव विल कम इन टू योर लाइफ. शायद आपकी लाइफ में कोई और इंसान आने वाला है. ये भी हो सकता है कि बहुत जल्द आपकी लाइफ में कोई इंसान आएगा. आप इस इंसान को हो सकता है ड्रीम्स में देख रहे हैं, या ऑलरेडी यूनिवर्स आपको गाइड कर रही है इस इंसान की तरफ, ठीक है. इंट्यूशन आपको बता रहे हैं, गट फीलिंग्स आपको बता रही हैं कि क्या है. शायद ये भी हो सकता है कि ये इंसान आपका वेट कर रहा है कि आप उनको अनब्लॉक करो और उनसे कॉन्टैक्ट करो, बात फीलिंग को एक्सप्रेस करो, तो उसके बाद रिलेशनशिप शायद आपका आगे बढ़ेगा. बट ओवरऑल यहाँ पर रिलेशनशिप में स्ट्रगल है, और हालात जो है वो आपके 6 मंथ्स के बाद मुझे ठीक होना होते हुए नजर आ रहे हैं. स्पेशली जब ये सैटर्न रेट्रोगेट और नेपच्यून रेट्रोगेट खत्म होगा. सैटर्न रेट्रोगेट आपको डेफिनेटली यहाँ पे वो चीज़ें सिखा रहा है जो आपको सीखनी पड़ेंगी. रिलेशनशिप में नहीं सीखेंगे तो आपकी एक कंटिन्यूस स्ट्रगल है, चाहे आप रिलेशनशिप में हैं, चाहे आप मैरिड हैं, चाहे आप सिंगल हैं, एक कंटिन्यूस स्ट्रगल है आपकी रिलेशनशिप में. कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है पार्टनर के साथ, और मसला ये है कि आप कुछ चाहते हैं, पार्टनर कुछ और चाहता है, वो भी एक कंटिन्यूस स्ट्रगल है आप दोनों के दरमियान में. तो इट्स लाइक नो बडी वॉन्ट टू कम्प्रोमाइज, ना आप कंप्रोमाइज करना चाहते हैं ना आपके पार्टनर करना चाहते हैं. सो हाउ इट विल वर्क, मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में न्यू लवर आएगा. कुछ लोगों के लिए देयर विल बी अ न्यू लवर कमिंग इन टू योर लाइफ. अब आपके लिए ओवरऑल एडवाइस देख लेते हैं कि इस मंथ में एडवाइस आपके लिए क्या है और आपको क्या करना चाहिए. तो थोड़ा सा चार्म्स भी मैं देखूंगी ताकि आपको मजीद गाइडेंस मिले. हेल्थ का आपने अपना ख्याल रखना है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी हेल्थ भी डेफिनेटली कुछ ऐसी स्ट्रगल में है. आप टेंशन ले रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, या आप ओवरथिंकिंग बहुत कर रहे हैं फ्यूचर को लेके. देखिए, आप जितना टेंशन लेंगे, स्ट्रेस करेंगे, फ्यूचर का किसी को नहीं पता व्हाट विल हैपन. आप इस वक्त अपने आप को हैंडल करें, अपने इमोशंस को हैंडल करें, अपने प्रेजेंट को हैंडल करें. ये आपका सबसे बड़ा चैलेंज है जो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा है. और आपको मैं बार बार कह रही हूँ, बिकॉज आई रियली केयर फॉर यू, और मैं आपको बार बार ये गाइडेंस देना चाह रही हूँ कि सैटर्न आपको बार बार आपको वो चीज़ सिखाएगा जो चीज़ आपको नहीं समझ आ रही, तो फिर वो अपने तरीके से आपको समझाएगा. दिस इज दैट प्लैनेट, ओके. सैटर्न वो प्लैनेट है जिसको शनि बोलते हैं, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी में. तो ये आपको वो चीज़ सिखाएगा जो आपको नहीं समझ आ रही, तो वो आपको किसी और के थ्रू लेसन सिखाएगा. किसी और तरीके से धक्का दे के, किसी और तरीके से चोट दे के, किसी और तरीके से आपको लेसन दे के सिखाएगा ज़रूर. वो आपको बोलेगा दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. और मुझे लगता है आप ऐसे काफ़ी सारे लोग सक्सेसफुल होंगे इसमें. आप सीख जाएंगे, आप अंडरस्टैंड कर जाएंगे. और अगर आपने ऑलरेडी किसी को कट ऑफ किया था तो वो इंसान वापस आ सकता है, लेकिन इस इंसान के आने के चांसेस 6 वीक्स के अंदर या मंथ्स के अंदर है, अभी नहीं, इतनी जल्दी नहीं. जो सिंगल हैं उनकी शादी मुझे लग रहा है कि आपकी कोई इस सैटर्न रेट्रोगेट के बाद ही कुछ होगा. नाउ लेट्स सी आपके लिए एडवाइस क्या है. कमिंग इन टू पावर, येस. आई स्टेप इन टू माई पावर बोल्डली एंड कॉन्फिडेंटली, येस. मुझे लगता है कि आपको अपनी कामर जो पावर है उसको क्लेम करना चाहिए, ठीक है. अपने डिसीजन खुद लें, अपना वर्क खुद करें. अगर आप किसी पे को डिपेंडेंट हैं कब तक रहेंगे, चाहे वो आप फाइनेंशियली किसी पे को डिपेंडेंट हैं या इमोशनली, ये आपका सबसे बड़ा चैलेंज है. क्लेम योर पावर. शायद आपको कुछ डिफिकल्ट डिसीजन भी लेने पड़े, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़े. अगर आप सेटल डाउन रहेंगे, ओ माय गॉड नहीं, मुझे घर से बाहर ही निकलना, मुझे अपने सिटी में काम करना है, मुझे इधर ही करना है, या मुझे ये करना. आप जब तक अपने आप को बाहर नहीं निकालेंगे, आप एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे, आपको सक्सेस वो नहीं मिलेगी जो आप करना चाह रहे हैं, पाना चाह रहे हैं. और रिलेशनशिप में भी ऐसे है. अगर आपको ये लगता है कि सब कुछ अगला इंसान करे, या आप अगर सब कुछ कर रहे हैं, तो आपका लेसन ये है, स्टॉप इट. आपने नहीं चलाना ये रिलेशनशिप. कब तक चलेगा जहाँ पे आप वन साइडेड रिलेशनशिप में रहेंगे, ठीक है. और अगर आप को लगता है कि सब कुछ अगला पर्सन करेगा, वो भी गलत है, क्योंकि बैलेंस ज़रूरी है हर रिलेशनशिप में, बैलेंस होना चाहिए. कम्युनिकेशन का यहाँ पे प्रॉब्लम है. आप इस मंथ में कहीं ट्रैवल भी करेंगे, मतलब अगर कहीं ट्रैवल करेंगे आप, जैसे शायद आपको करना चाहिए.
या राइजिंग अबव, ये आपके लिए ये नेक्स्ट एडवाइस है. आई सी ओनली ब्यूटी एंड द ग्रेस. यस, मुझे लगता है कि आपको अपने आप पे, अपनी हीलिंग पे सो फोकस करना चाहिए. यू आर गुड इनफ. अगर आपको कोई वैल्यू नहीं दे रहा, अगर नहीं चूज कर रहा, तो मे बी दैट पर्सन इज नॉट फॉर यू. ये बहुत क्लियर साइन है यहाँ पे. अगर आप किसी को लेके कंफ्यूज हैं और कोई आपको कंफ्यूज कर रहा है, तो इसका मतलब वो इंसान नहीं चाहता या अभी उनका वो डिसीजन नहीं है, ठीक है, जो आप चाहते हैं. यू विल सी इन द फ्यूचर. लेकिन राइट नाउ प्रेजेंट में आपको ये फोकस करना है कि आपके लिए बेस्ट क्या है, आपकी हीलिंग के लिए क्या जरूरत है, आपको अपने आप के अंदर क्या चैलेंजेस हैं, जो कि बहुत डिफिकल्ट होता है लोगों के लिए अपने आप को इम्प्रूव करना. सबसे बड़ा चैलेंज होता है अपने आप को फेस करना, अपने शैडो साइड को फेस करना, अपने आप को इम्प्रूव करना, अपने आप को ग्रो करना, अपने माइंड सेट को चेंज करना, अपने आप को हील करना, अपने आप को पॉजिटिव बनाना, ऐसे लोगों से कट ऑफ करना जो आपको नहीं समझते. इट्स ओके, ठीक है. मैं चार्म देखूंगी आप लोगों के लिए, चार्म से देख लेते हैं, उसके बाद मैं पाइल नंबर 2 की तरफ जाऊंगी. ये आपके लिए मैसेज है. अगर आप जब तक खुद को हील नहीं करेंगे, अपनी पावर आपके अपने हाथ में नहीं होगी, या आप खुद अपनी लाइफ का डिसीजन नहीं लेंगे, कब तक आप किसी के दूसरों के सहारे पे बैठे रहेंगे, चाहे वो रिलेशनशिप वाइज है या फाइनेंशियली है, या आप ओवरऑल ये समझते हैं कि कोई और आएगा आपको इमोशनली खुश कर देगा, हैप्पी कर देगा, या आपकी दुनिया बदल जाएगी. ऐसा नहीं है. इट इज़ नॉट पॉसिबल. हर रिलेशनशिप में, हर जगह पे, हर सिचुएशन में आपको स्ट्रगल्स देखनी ही पड़ेंगी, चैलेंजेस का सामना करना ही पड़ेगा. ये मैं नहीं कह रही कि आपको खुशी नहीं मिलेगी, यू विल हैव बी हैप्पी. लेकिन सबसे पहले आप ये देखें कि आपकी खुशी किस में है. आप खुद खुश हैं या कोई आपको दूसरा इंसान कैसे खुश करेगा जब तक आप खुद अपने आप के साथ खुश नहीं होंगे, रिलैक्स नहीं होंगे, हील नहीं होंगे. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे डिफिकल्ट लाइफ उनकी होती है जो पास्ट में रहते हैं या फ्यूचर में रहते हैं. सो लिव इन द प्रेजेंट. ये आपकी सबसे बड़ा चैलेंज है. आजकल सबका चैलेंज यही है, ठीक है ना. तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि लिव इन द प्रेजेंट. अपने आप प्रेजेंट को संभालें, अपने आप को संभालें, इंप्रूव करें. तो अब हम चार्म देखेंगे आपके लिए. चार्म से क्या है, ओके, देयर इज अ लॉट ऑफ चार्म्स. आप हो सकता है कैंसर हैं या कैंसर के साथ डील कर रहे हैं. यस, आपको ड्रीम्स मिल रहे हैं. अपने ड्रीम को पूरा करें, अपने ड्रीम को फॉलो करें, ठीक है. यू कैन डू इट. अगर आप ड्रीम देख सकते हैं, कर सकते हैं, आपके ड्रीम्स हैं, उनको आपको यूनिवर्स एक गाइडेंस दे रही है कि आप उनको अचीव भी कर सकते हो. नंबर 4, 8, 5 इंपॉर्टेंट हो सकते हैं. ये आपकी डेट ऑफ बर्थ्स हैं, ठीक है. 7 आप 333, 555 इस तरह के नंबर भी देख रहे होंगे, या 888 हो सकता है आप देख रहे हो, ठीक है. और क्या है यहाँ पे. यस, मुझे लगता है कि कंट्रोल अब आपको अपनी लाइफ का लेना पड़ेगा. चीज़ों को परमानेंट अपनी लाइफ में अगर स्टेबल रखना है, तो आपको परमानेंट चेंजेस अपनी लाइफ में लानी पड़ेंगी. पूरा लाइफ को मैनेज करना पड़ेगा अगर आपको परमानेंट चेंज चाहिए. यहाँ पे लेटर है JEC. यहाँ पे है क्रेजी. यस, कुछ क्रेजी स्टफ आपके साथ होने वाला है इस मंथ में. यहाँ पे पीस है, अपनी लाइफ को पीसफुल बनाएं. यहाँ पे हार्ट भी है, कोई हार्ट की विश भी पूरी हो सकती है इस मंथ में, या पीस आपको मिलेगा. यस, आप में से कुछ लोग लकी भी होंगे हार्ट के मामले में या फाइनेंशियल मामलों में, या मुझे लगता है कि आपको हार्ड वर्क जो आप कर रहे हैं उसका रिजल्ट आपको मिलेगा. बट डोंट बी पेशेंट. जल्दी जल्दी सब कुछ नहीं होगा, आराम से होगा. यस, अपने हार्ट चक्रा को ओपन करें और अपने आप को न्यू एक्सपीरियंसेस और न्यू चैलेंजेस के लिए फेस करें, उसके बाद ही आपको उसका जो है रिवार्ड मिलेगा. यस, यहाँ पे हार्ट टू हार्ट है, तो हो सकता है आप किसी कनेक्शन में जाने वाले हैं, ठीक है. हो सकता है यहाँ पे लव विल बी इन द एयर. या तो आपको आपकी लाइफ में लव आ रहा है, या आप खुद से लव करेंगे, ठीक है. इट्स लुक लाइक यहाँ पे टू हार्ट्स आर मैचिंग. या मुझे लगता है आपकी एक लॉन्ग जर्नी है, स्ट्रगल है, आपके अपने चैलेंजेस हैं, लेकिन उसके बाद ही आपको यहाँ पे रिवार्ड भी मिलेगा. कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं आप, या आपको कहीं ट्रैवल करना है, या आपको करना चाहिए. यस, बटरफ्लाई ट्रांसफॉर्मेशन, 2 स्टार्स, आपकी विशेस पूरी होने वाली. यहाँ पे भी 2 स्टार्स हैं, 2 हार्ट्स हैं, तो मुझे लगता है हार्ट की कोई विश आपकी पूरी होने वाली है, कोई ऐसी चीज़ जो आपको खुश कर देगी, ब्लेस कर देगी, ठीक है. अगर आपको किसी का इंतजार है, तो वो इंसान वापस आ सकता है इस मंथ में. यहाँ पे चांसेस हैं, विक्ट्री इज देयर. लेकिन अगर अभी नहीं आ रहा, तो मज़ीद टाइम लगेगा. यस, क्योंकि रिलेशनशिप काफ़ी स्लो प्रोग्रेस है, ठीक है. या आपका जो जिस काम में भी आप काम कर रहे हैं, जो काम करना चाह रहे हैं, उसमें स्लो प्रोग्रेस है. आपको हार्ड वर्क का रिजल्ट मिलेगा इसका. इस माइल में अगर आपको जल्दी जल्दी करना चाह रहे हैं, कुछ नहीं मिलेगा. ये आपका सबसे बड़ा चैलेंज है. कुछ भी जल्दी नहीं होगा. या स्पेशली इफ यूर सेजिटेरियस. कन्फर्मेशन यहाँ पे है लोटस, ठीक है. तो कुछ पीसफुल कनेक्शन है, किसी पीसफुल जगह पे भी आप प्लेस पे भी जाएंगे, विजिट करेंगे, या आपको करना चाहिए, होली प्लेस पे, या किसी ऐसी जगह पे जो आपके लिए काफ़ी रिलीजियस है, काफ़ी स्पिरिचुअल है आपके लिए, या स्पिरिचुअल और होली और रिलीजियस प्लेसेस पे अपने आप को कन्वर्ट करें, या अपने आप को ज़्यादा उन चीज़ों में इन्वॉल्व करें, ताकि आप हील कर सकें, ठीक है, जो भी आपका कल्चर या रिलीजन है. यहाँ पे स्माइल है. यस, यू विल फील हैप्पी, यू विल फील अपलिफ्टेड, ठीक है.
यहाँ पे म्यूज़िक से रिलेटेड भी कुछ चीज़ है, या तो आप क्रिएटिव हैं या आप खुद म्यूज़िक से में कुछ करना चाह रहे हैं, अपना नाम बनाना चाह रहे हैं, आप फेमस होना चाह रहे हैं, लेकिन आपको हार्डवर्क से ही वो चीज़ मिलेगी, ऐसे नहीं मिलेगा। क्योंकि म्यूज़िक ऐप से मैं आपसे जैसे बात कर रही थी कि म्यूज़िक ऐप हो सकती है, या आप कुछ कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं या आपके अंदर वो क्रिएटिव एबिलिटीज़ हैं, इस मंथ में आप उनको डेफिनेटली मुझे लगता है आप अपने ड्रीम को फॉलो करेंगे, जो भी आपका ड्रीम है। सो दैट्स योर रीडिंग, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो पार्लियामेंटू, जिनके लेटर्स हैं ये इनिशियल्स, वेलकम ऑन योर रीडिंग। और सबसे पहले देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या होगा। अच्छा, मुझे लग रहा है आपको कोई DM में मैसेज करेगा, या कोई आपको मैसेज रिसीव हो सकता है, या ईमेल रिसीव हो सकता है, ठीक है। टीवी मैं जो चीज़ चैनल कर रही हूँ उसको सोचें, उसको देखें। टीवी चीज़ आप मेरे माइंड में आ रही है, टीवी, आई एम चैनलिंग टीवी। मुझे नहीं पता आप टीवी पे काम करते हैं, टीवी से काम करते हैं, या टीवी पे कुछ देखेंगे, टीवी पे कोई न्यूज़ देखेंगे, टीवी पे कोई मैसेज मिलेगा। कुछ लोगों के लिए एक्स है, एक्स की एनर्जी आ रही है। अच्छा, DJ आ रहा है, DJ माइंड में आ रहा है मेरे, DJ कुछ DJ से रिलेटेड है, कुछ शायद पार्टी शार्टी पे आप जाएंगे, फंक्शन पे। लेट्स सी, वी हैव द सन, द गोल्डन एनर्जी ऑफ द सन ब्रिंग्स फेम एंड फॉर्चून। ओह, आप लियो हो सकते हैं, या लियो के साथ डील कर रहे हैं। अच्छा, कोई चीज़ है जो आपको इस मंथ में, कोई चीज़ है जो आपको फेम देगी, फॉर्चून देगी, आप लकी होंगे, या शायद आप TV पे आएंगे, या रेडियो पे, या DJ, कुछ ऐसा करेंगे आप जिसकी वजह से लोग आपको देखेंगे, फेम मिलेगा, सक्सेस मिलेगा, आपकी क्रिएटिविटी की वजह से मिलेगा। काफ़ी सारे लोग आपको DM भी कर सकते हैं। मुझे ये भी लगता है कि कोई आपको इनवाइट करेगा कहीं पे, ठीक है। ऐसा लग रहा है जैसे आपको इंटरव्यू देंगे, या कहीं पे आपको काफ़ी सारे लोग देखेंगे, ऐसी जगह जहाँ पे लोग आपको देखेंगे, एंड यू विल गेट द फेम। तो या तो सोशल मीडिया है, या TV है, या कहीं ऐसी जगह पे हैं आप परफॉर्मेंस कर रहे हैं, एंड यू विल बी द सेंटर ऑफ अटेंशन। लुक एट दिस सन, यू विल बी द सेंटर ऑफ अटेंशन, स्पॉटलाइट, फेम और फॉर्चून मिलने वाला है आपको। या तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं इसको, आप यू आर ऑन द राइट पाथ, और अगर आप ऑलरेडी कर चुके हैं तो इस मंथ में आपको वो अचीवमेंट मिलेगी। नाउ लेट्स सी मोर, 8 of Swords, 5 of Pentacles एंड द Hangman। या मुझे लगता है कि अभी आप को ये चीज़ होती हुई नज़र नहीं आ रही, ठीक है। आप में से कुछ लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, फाइनेंशियल कोई स्ट्रगल है, या वैसे ओवरऑल यू डोंट सी दिस कमिंग, लेकिन ये चीज़ आपको मिलेगी। और कुछ लोग आप अपने आप अपने टैलेंट को खुद ही दबा रहे हैं। लुक एट दिस, इट्स लाइक आप अपने टैलेंट को खुद ही दबा रहे हैं। 8 of Swords, आपको समझ नहीं आ रही, आप कंफ्यूज हैं, ठीक है। मीडिया से आपका कोई काम हो सकता है, या TV से रिलेटेड काम हो सकता है, या आपका काम जैसे म्यूजिक है, DJ है, क्रिएटिविटी है, कुछ अपने आपको टैलेंट को शो करना है, बट ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर लैक है, आपके अंदर आपको ये चीज़ लगती है कि यू कांट डू इट, ब्लॉकेज आपके अंदर है, या आप उस चीज़ को समझ नहीं रहे कि उस चीज़ को पाना कैसे, उस चीज़ को करना कैसे है। सो लेट्स सी मोर, देख लेते हैं आप लोगों के लिए ओवरऑल लाइफ में क्या चीज़ होने वाली है। तो कुछ है जो आपको एक, मुझे लग रहा है आप में से काफ़ी सारे लोगों को एक कॉन्टिन्यूस स्ट्रगल है, यहाँ पे टेंशन है किसी चीज़ की, किसी चीज़ में आप स्टक हैं, किसी चीज़ की आपको समझ नहीं आ रही इस मंथ में, ठीक है। किसी चीज़ का आपको वेट है, वो चीज़ आपको नहीं मिल रही, आप अपना टाइम उन चीज़ों में वेस्ट कर रहे हैं जहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलना। आप सेल्फ सैबोटेजिंग भी कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपसे बात करनी है ऑब्वियसली, यहाँ पे सेल्फ सैबोटेजिंग एनर्जी है। मतलब कोई चीज़ है जो आपको पता है इट्स फॉर यू, ये चीज़ आपको खुश करती है, ये चीज़ आपको सक्सेस देती है, ये चीज़ आपको क्रिएटिव बनाती है, या ये चीज़ आपके अंदर आपको पता है यू कैन डू इट, लेकिन आप करना नहीं चाहते, आपको लगता है यू कांट डू इट, या आपको डर है, आपको खौफ है, आपको जजमेंट का डर है, आपको ये डर है कि लोग क्या कहेंगे, या ये लगता है कि ये चीज़ मैं नहीं कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगा। आपको कोई भी नहीं रोक रहा, ये सिर्फ आपका अपना दिमाग है, आपका अपना माइंड सेट है जो आपको रोक रहा है, स्टॉप कर रहा है, और कुछ भी नहीं है। ट्रस्ट में ये कुछ भी नहीं है, ये आपके अपने अंदर का खौफ है, ये आपके अपने अंदर की सैबोटेजिंग एनर्जी है, और ये आपके अपने अंदर का जो वो है कि मुझे ये मैं नहीं कर सकती, या ये मैं नहीं कर सकता, या मेरे अंदर ये टैलेंट नहीं है, मेरे अंदर ये क्यों नहीं है, वाई। सो आपको यहाँ पे Hangman है, तो इसका मतलब अवेयरनेस की ज़रूरत है, आपको चेंज की ज़रूरत है, आपको अपने आप को हील करने की ज़रूरत है, माइंडसेट को चेंज करें। जैसे माइंडसेट चेंज होगा, चीज़ें ऑटोमेटिकली चेंज होना शुरू होती हैं लाइफ में। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग लाइफ में 10 साल बाद भी, 20 साल बाद भी उनकी लाइफ में यही स्ट्रगल होती है, उनको ये नहीं समझ आ रही होती कि वो उनके अंदर है क्या, क्या टैलेंट है उनके अंदर, उनको ये नहीं समझ आ रही होती कि वो कुछ कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये मेंटल ब्लॉकेज होता है, या क्रिएटिव ब्लॉकेज होता है, आपका सोलर प्लेक्सस ब्लॉक्ड है, आपका रूट चक्र ब्लॉक्ड हो सकता है। कुछ चीज़ है जो आप करना चाहते हैं बट आपके अंदर कॉन्फिडेंट नहीं है, कुछ चीज़ है जो आपको पता है ये आपके लिए बनी है, यू कैन डू इट, बट आप उसको करेंगे नहीं बिकॉज ऑफ फेयर ऑफ अदर पीपल, एग्जाइटी, टेंशन, स्ट्रेस, सोशल एग्जाइटी और समथिंग। कुछ चीज़ है जो आपको स्टॉप कर रही है, और ये आपके अपने अंदर है, यू हैव टू डील विद इट। द सन कार्ड, ये चीज़ आपको
खुशी देगी या आपको हील करेगी, फेमस बनाएगी या आपको सक्सेस देगी, लेकिन उससे पहले जो आपकी सबसे बड़ा चैलेंज है वो आप खुद हैं। लेट्स सी मोर, देख लेते हैं आप लोगों के लिए ओवरऑल यहाँ पे क्या है। ये ओवरऑल एनर्जी आपकी है, कुछ चीज़ ऐसी भी है जो आप शायद आप में से कुछ लोग बेबी के लिए आप प्रे कर रहे हैं, बच्चों के लिए प्रे कर रहे हैं और आपको नहीं समझ आ रही कि क्यों नहीं हो रहा, या आप अपने बच्चों की खुशी देखना चाह रहे हैं लेट्स से और आपको नहीं समझ आ रही ये सब कुछ क्यों नहीं हो रहा, तो ऊपर से डिलेज है मुझे लगता है, कुछ ना कुछ ऐसा है जो चीज़ें डिले हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अवेयरनेस की भी ज़रूरत है, पॉजिटिव माइंडसेट की भी ज़रूरत है, प्रेयर्स की भी ज़रूरत है, हीलिंग की भी ज़रूरत है, ठीक है। नाउ लेट्स सी क्या होने वाला है आप लोगों के लिए इस मंथ में, स्पेशली इन योर करियर। लुक एट दिस, या आप ऐसे काफ़ी सारे लोग या तो आप इंटरप्रेन्योर हैं, ठीक है, इंटरप्रेन्योर आपके अंदर ये एनर्जी है, लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, और हो सकता है आप ऑलरेडी, अगर आप कोई ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, तो उसमें प्रोग्रेस नज़र आ रही है मुझे लग रहा है, या तो आपको प्रमोशन मिल सकती है, या आप कोई ऐसा रिमोट काम करते हैं, ठीक है, ट्रैवलिंग वाला काम करते हैं, या आप किसी के अंडर काम करते हैं, असिस्टेंट हैं आप, या आपका कोई बॉस है, उस बॉस की वजह से आपको डेफिनेटली काफ़ी सारी चेंजेस आपको मिल सकती हैं, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि वो बॉस की वजह से ही आपको इम्प्रूवमेंट मिले, कोई कॉम्प्लीमेंट मिल सकता है या प्रमोशन भी मिल सकती है। लेकिन जो लोग अपना काम करते हैं, जो कि ज़्यादातर यहाँ पे नज़र आ रहा है विद द सन और यहाँ पे एम्परर फॉर्चून, जो आप खुद आप सेल्फ मेड हैं, आप सेल्फ मेड बनेंगे, अगर आपके अंदर वो चीज़ है और आप करना चाहते हैं, तो फिर आपको डेफिनेटली अपना काम करना पड़ेगा जो भी आप करें। और अगर आप ऑलरेडी इसी सेल्फ अपने बिजनेस में हैं, सेल्फ रिलायंट हैं, आप खुद सेल्फ सफिशिएंट हैं किसी चीज़ में, ठीक है, आपका अपना बिजनेस है या कोई ऐसा काम आप करते हैं जो आपने ही करना है, आपने ही हैंडल करना है, यू आर द बॉस ऑफ योर वर्क, ठीक है, या आप काफ़ी सारे लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं, ठीक है, एंड यू आर द बॉस, या आप किसी के अंडर काम करते हैं, जो भी है। लेकिन जो लोग अपना काम करते हैं उन लोगों के लिए मैं यहाँ पे बात करी, उनको सक्सेस मिलेगी, उनको फेम मिलेगा, फेम सक्सेस फॉर्चून लक विल बी ऑन योर साइड, आपका काम आगे बढ़ेगा, बिजनेस आगे बढ़ेगा, यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है आपको शायद ट्रैवल करने की, या अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने की, ज़्यादा मजीद बढ़ाने की, एडवर्टाइजमेंट में की करने की, लोगों के साथ कोलाब्रेशन करने की, यू विल बी द बॉस, ठीक है। अच्छा, गुड न्यूज़ ये भी है कि आपको ट्रैवल भी करना पड़ेगा, शायद कोई मीटिंग हो सकती है आपकी, या वैसे ट्रैवल करेंगे आप बिजनेस को लेके, जॉब को लेके। आपको गुड न्यूज़ ये भी मिल सकती है कि यू विल गेट द कार, कुछ लोगों के लिए शायद आप कोई परचेज करेंगे, कार को परचेज करेंगे, या आप सेव कर रहे हैं मनी को, आप कार परचेज करना चाहते हैं, या आप कोई चीज़ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो आपके लिए बेनिफिट होगा, शायद प्रॉपर्टी में, या किसी के साथ आप पार्टनरशिप करेंगे, वो भी। बट इट्स अ बिजनेस, मुझे ऐसा लगता है ये बिजनेस है, ये बिजनेस वाले लोग हैं जो एंटरप्रेन्योर हैं या अपना खुद कुछ करते हैं, उन लोगों के लिए, जो लोग यहाँ पे स्टक हैं उन लोगों, या आप लेट्स से आप अपने फादर पे रिलायंट हैं, ठीक है, आप उन पे को डिपेंडेंट हैं, अपने पेरेंट्स पे को डिपेंडेंट है, कब तक रहेंगे? यू हैव टू टेक योर लाइफ सीरियसली, आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, यू हैव टू डू इट। लेकिन ज़्यादातर जो लोग यहाँ पे लग रहे हैं वो बिजनेस माइंडसेट के लग रहे हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ आपको मिलेगी, प्रोग्रेस ज़्यादा होगी, चेंज ज़्यादा मिलेगा, फॉर्चून मिलेगा अच्छी, आपको कोई कोई ऐसी सक्सेस मिलेगी जिसकी वजह से आपको काफ़ी अच्छा अकॉम्प्लिश्ड फील होगा, ठीक है, किसी सक्सेसफुल बिजनेसमैन या किसी सक्सेसफुल आदमी के साथ, या अपने बॉस के साथ आपकी मीटिंग हो सकती है, या कुछ ऐसा कॉम्प्लीमेंट मिलेगा जो आपको बेनिफिट देगा, ठीक है। यस, और आप में से कुछ लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, आपके माइंड में बहुत कुछ है बट यू कांट डू इट, ऐसा लगता है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज़्यादा हैं आप पे, माइंड में बहुत कुछ है, आइडियाज़ बहुत हैं, लेकिन आप उन पे एक्ट नहीं करते, ना कर सकते हैं, ऐसा लग रहा है कि आपके, क्योंकि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं लेट्स से, या जो आप काम करते हैं उसके बाद आपको क्रिएटिव माइंड आपका जाता ही नहीं, यू मे बी डू जस्ट 5 to 9 जॉब, 9 to 5 PM जॉब आप करते हैं, या अगर आप किसी के अंडर काम कर रहे हैं तो आपको डेफिनेटली जो जो ऑर्डर मिलेगा आपको वही चीज़ जो है वो प्रोग्रेस करनी पड़ेगी, तो आपकी अपनी कोई क्रिएटिव माइंडसेट नहीं है, यहाँ पे क्रिएटिव ब्लॉक है कुछ लोगों के लिए, तो जो आपके आपके बॉस बोलेंगे या जो जिसके अंडर में आप काम करते हैं वही करेगा, वही आपको जैसे काम करवाए फिर, ऐसा लग रहा है, लेकिन आपका क्रिएटिव ब्लॉक है यहाँ पे, वो मुझे ऑलरेडी नज़र आ रहा था, मेंटल ब्लॉक है, क्रिएटिव ब्लॉक है। और जो लोग अपना काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए इस मंथ में काम ज़्यादा बढ़ सकता है, ठीक है, आपके दिमाग में ज़्यादा आइडियाज़ हो सकते हैं, ये कोई ऐसा काम आप, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी मज़ीद बढ़ सकती है, अगर आप स्पेशली अपने काम को ज़्यादा एक्सपैंड कर रहे हैं, लेट से आप अपने वर्क को कुछ ज़्यादा एक्सपैंड कर रहे हैं, या किसी के साथ अगर आप बिजनेस पार्टनरशिप करें वो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये भी हो सकता है कि आपकी काफ़ी सारे लोगों से इस मंथ में मुलाकात हो, मीटिंग हो,
गेट टुगेदर, ठीक है। यू कुड बी वर्कहॉलिक, आप हो सकते हैं वर्कहॉलिक हैं, डेफिनेटली कुछ लोग वर्कहॉलिक हैं, आप वर्क बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन आप में से काफ़ी सारे लोग जितना वर्क करते हैं आपको लगता है यू कैन नॉट, आपको वो सक्सेस नहीं मिलती, आपका बॉस उतना आपको पे नहीं करता, ये भी हो सकता है। तो ये स्ट्रगल है आपकी, तो शायद आपको स्टैंड अप करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, ये भी हो सकता है शायद आपके लिए इस मंथ में। अच्छा, अब वैसे बेनिफिट है जो लोग जो अपना बिजनेस कर रहे हैं उन लोगों के लिए बेनिफिट है यहाँ पे, डेफिनेटली आपको कोई या आप कुछ ऐसा काम करने वाले हैं क्रिएटिव या कर रहे हैं उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। यू विल डू इट, वर्क बहुत ज़्यादा है, ओवरलोड है आप पे, बर्डन है, बट कोई चीज़ ऐसी है जो आपको एक्साइटेड करती है, कोई चीज़ ऐसी है जो आपके जैसे ट्रैवल इन्वॉल्व है, कोई चीज़ ऐसी है जैसे काफ़ी सारे लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन है, वो फील्ड आपके लिए बेस्ट है। या अगर आप ऑलरेडी कर रहे हैं तो उसमें आप काफ़ी सारे लोगों को आप अट्रैक्ट करेंगे, काफ़ी सारे लोग आपकी तरफ आएंगे, काफ़ी सारे लोग आपके साथ वर्क करना चाहेंगे, आपको आपके वर्क को रिकॉग्नाइज करेंगे, पहचानेंगे, ठीक है। रिलेशनशिप वाइज देख लेते हैं आप लोगों की रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, चाहे आप सिंगल हैं या किंग ऑफ पेंटिकल्स लवर्स। ओके, डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि या तो आप रिलेशनशिप में जाने वाले हैं, ठीक है, अगस्त से कोई आपकी लाइफ में आ रहा है, आपके पास चॉइस भी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए आपके पास चॉइस होगी, या तो प्रपोजल की चॉइस है क्योंकि सेवन ऑफ कप्स भी चॉइसेस की बात करता है, तो शायद आपके पास चॉइस होगी। यहाँ पे लवर्स आ रहे हैं तो शायद चॉइस है आपके पास दो लवर्स की या दो से ज़्यादा ऑप्शन है, या आप ऐसे कुछ लोग कन्फ्यूज़ हैं लव लाइफ को लेके, मतलब आपको किसको चूज़ करना चाहिए इस वक्त। आपको ये भी हो सकता है जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उसमें मुझे ये लग रहा है कि आपको अपनी वर्क लाइफ जो प्रोफेशनल लाइफ है और अपनी पर्सनल लाइफ है उसमें बैलेंस रखना पड़ेगा। ये बहुत ज़रूरी है कि आप दोनों चीज़ों को मैनेज करें, और जो इंसान शायद आपकी तरफ आ रहा है वो इंसान वर्कहॉलिक हो सकता है, अगर आपकी लाइफ ऐसी नहीं है तो इस इंसान की जो लाइफ है वो काफ़ी वर्कहॉलिक है, तो उनको मैनेज करना पड़ेगा अपनी लव लाइफ को और प्रोफेशनल लाइफ को आपके साथ। सो लेकिन ये इंसान रेडी है रिलेशनशिप के लिए, इट्स लुक लाइक कि आप इसी मंथ में ही अगस्त में ही आप दोनों की या तो कांटेक्ट होने वाला है, बात होने वाली है, या रिलेशनशिप आगे बढ़ने वाला है। ये भी हो सकता है कि ये इंसान आपको एक क्लियर साइन दे, एक क्लियर कन्फेशन आ सकता है इस इंसान की तरफ से, या ये इंसान आपको कुछ चीज़ एक्सप्लेन करना चाहेगा कि वो वाकई इस रिलेशनशिप में आपके साथ आना चाहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आप दोनों को वर्क करना पड़ेगा, या उनको इस वक्त उनका फोकस कहीं और है, या वो वर्क करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो शायद इस वजह से आपकी लाइफ में कन्फ्यूजन चल रही है, आपको नहीं पता कि इस इंसान की वजह से आपको समझ नहीं आ रही कि वो आपसे आपको पसंद करते हैं नहीं करते, या आप दोनों की यूनियन होगी या नहीं होगी, बट आई थिंक इट्स योर डिवाइन काउंटर पार्ट, क्योंकि यहाँ पे लवर्स भी है और एम्परर भी आ रहा है पायल में, ठीक है। तो हो सकता है कि ये इंसान आपकी लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, अगर ये इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, या अगर ऑलरेडी है तब भी इस इंसान का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन आपके पास चॉइस भी हो सकती है। ये अगर आपके पास चॉइस नहीं है, इस इंसान के पास चॉइस है, और इनके पास चॉइस आप और वर्क में से है, क्योंकि मुझे लग रहा है या आपके पास, आप दोनों ही शायद वर्कहॉलिक हैं, आप दोनों ही काफ़ी इंडिपेंडेंट लोग हैं, आप दोनों ही के पास ऑप्शंस हैं, आप दोनों ही के पास चॉइसेस हैं, तो शायद इन चीज़ों को आपको मैनेज करना पड़ेगा दोनों। कुछ लोगों के लिए आप इस इंसान को, अगर आप सिंगल हैं आपकी लाइफ में कोई नहीं है, आप हो सकता है किसी को मिले अपनी वर्क प्लेस पे, जो जैसे मैंने आपसे कहा जो भी आप वर्क कर रहे हैं क्रिएटिव बिजनेस जॉब जो भी, आप इस इंसान को अपने वर्क के थ्रू मिलेंगे, ये कोई आपको इंट्रोड्यूस करवाएगा इस इंसान से। तो इसलिए मैं शायद आपको कह रही हूँ कि आपको वो वर्क करना चाहिए जो आपकी जो आपका एक ड्रीम है, जिसको आप करना चाहते हैं, जिसकी वजह से आपको फेम और पॉपुलैरिटी मिलेगी। शायद अपने वर्क के थ्रू आप काफ़ी सारे लोगों को मिलेंगे, आपका इंटरेक्शन होगा, या ऑलरेडी इस मंथ में आपका काफ़ी सारे लोगों से मुलाकात हो सकती है। अगर आप किसी के साथ बिजनेस पार्टनरशिप में जाएंगे या कोलैबोरेशन भी करेंगे तो वो इंसान भी हो सकता है जिसके साथ आपका रिलेशनशिप आगे बढ़े, मतलब आप अगर कुलीग हैं तो मे बी इट्स लाइक बिजनेस पार्टनर हैं, कुलीग्स हैं, या आप समहाउ एक दूसरे को जानते हैं, तो रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा, विल मूव इन टू समथिंग सीरियस, लाइक रोमांस की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। बट आई थिंक आपके पास चॉइस है, आपके पास ऑप्शन है। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, जो हस्बैंड वाइफ हैं, उन लोगों के लिए भी यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस रखने की ज़रूरत है आपको या आपके पार्टनर को, तो वो चीज़ें आप दोनों को डिस्कस करने की ज़रूरत है, मैनेज करने की ज़रूरत है आई थिंक। लेकिन मुझे लग रहा है आपके पास चॉइस है, समबडी न्यू कमिंग इन योर लाइफ विद द एस ऑफ कप, आपके पास ऑप्शन है। सो मुझे लगता है आपके पास न्यू लवर भी है और कोई पास्ट भी आ सकता है, या अगर आपके पास शायद आपके पर्सन के पास चॉइस है कि वो क्या वो रेडी हैं इस लव के लिए, क्योंकि उनकी लाइफ काफ़ी बिजी हो सकती है, या उनका लाइफस्टाइल बिजी हो सकता है, या आपका, आपके लिए एडवाइस देख लेते हैं ओवरऑल। बट आई थिंक लव इज़ गोइंग गुड आपकी लाइफ में, लव इज़ कमिंग, या लव आपकी किसी के साथ यूनियन होने वाली है, या रिलेशनशिप आगे बढ़ने वाला है, सम टाइप ऑफ अ रिलेशनशिप मूविंग फॉरवर्ड इस फाइल में। जो कन्फ्यूजन है वो ख़त्म होगी बेसिकली। लेट्स सी आपके लिए एडवाइस क्या है। वी हैव
एक्सीडिंग एक्सपेक्टेशंस आई सोर इन टू एक्सीलेंस, या मुझे लगता है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए, पहले आपके लिए जो आपका सबसे बड़ा चैलेंज शायद ये हो सकता है कि सबसे पहले आपको इंडिविजुअली स्टैंड करना पड़ेगा, अपने लिए स्टैंड करना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, उसके बाद आप इस इंसान को मिलेंगे। या अगर आप रिलेशनशिप में भी जाएंगे, मैं आपको पहले बता दूँ इस इंसान की एक बहुत इंडिविजुअल और पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ है, शायद इस वजह से आपको भी एक प्रोफेशनल लाइफ रखने की ज़रूरत है, या आपको भी अपने ड्रीम्स अपने गोल्स का पता होना चाहिए। अगर आप इस तरह की कन्फ्यूजिंग पर्सन है और आपको अभी तक कोई आइडिया नहीं है, तो आप डेफिनेटली रिलेशनशिप में स्ट्रगल करने वाले हैं, क्योंकि आपको समझ नहीं आएगी कि आपको क्या करना है, और आपको ये भी नहीं समझ आएगी कि इस इंसान को भी के साथ भी डील कैसे करना है जब आप रिलेशनशिप में जाएंगे या शादी करेंगे जो भी है। बट आई थिंक जो आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अपने डिसीजन खुद लें, इंडिविजुअली लें, अपने लिए स्टैंड लें, और जो चीज़ आप करना चाहते हैं उसको अचीव करें, अपने गोल को अपने ड्रीम को उसका आप प्रॉपर प्लान करें, उस पर एक्शन करें, सिर्फ सोचते ना रहें, सिर्फ ड्रीम ना करते रहें, उसके बारे में आप उसको प्रॉपर तरीके से आप करके दिखाएं। एम्ब्रेस द फ्यूचर, येस आई स्टेप इन टू द फ्यूचर विद एन ओपन हार्ट, तो अपने फ्यूचर को एम्ब्रेस करें ओपन हार्ट एनर्जी के साथ। जो पास्ट में हो गया हो गया, जो छूट गया पीछे छूट गया, जो पास्ट में हो गया हो गया, उन गलतियों को उन चैप्टर्स को क्लोज करें, उन डोर्स को बंद करें। इफ समथिंग इज़ नॉट वर्किंग, अगर पास्ट में कुछ चीज़ वर्क नहीं की थी, ज़रूरी नहीं है कि अब भी वर्क नहीं करेगी, ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ अब आपको हैंडल आपने इसको नए तरीके से हैंडल करना है, एक नए माइंड सेट के साथ, एक नई पॉजिटिविटी के साथ। या अगर ये पास्ट वाला पर्सन भी है जो शायद वापस, मुझे एक्स नहीं लग रहा, मुझे ये लग रहा है आप दोनों के दरमियान में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, या इस इंसान की प्रायोरिटी कुछ और थी, लेकिन अगर वो अब आपको एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो आप सुन लें। एक पॉजिटिव माइंड सेट के साथ आपने आगे बढ़ना है फ्यूचर में, ये आपके लिए एडवाइस है, चाहे आप फ्यूचर में आगे बढ़ रहे हैं अपने कैरियर को लेके, अपने आप को लेके, सो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, अपने पर्सनली भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है ग्रोथ के लिए, और रिलेशनशिप वाइज भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है इस पाइल में, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आप लोगों के लिए देख लेते हैं, आप चार्म्स में देख लेते हैं, चार्म्स आपके लिए क्या है, देन आई विल जनर रीडिंग इस मंथ में क्या आपके लिए मैसेज देता है। ओके, कोई विश आपकी पूरी होगी, लुक एट दिस, इट्स अ मैजिकल विश, कुछ मैजिक है, कोई ऐसी आपके लिए कुछ मैजिकल चीज़ें होने वाली हैं, या विश पूरी होगी, येस हाउस, तो कुछ घर में कुछ चीज़ परमानेंट होने वाली है, या आपका हाउस में शायद आप कुछ चेंजेस ला रहे हैं, घर में चेंजेस ला रहे हैं, हो सकता है प्रॉपर्टी में कुछ चीज़ आपको, जो लोग प्रॉपर्टी में हैं उनको बेनिफिट मिल सकता है, सक्सेस मिल सकती है। आप में से कुछ लोग कहीं शिफ्टिंग का भी सोच रहे हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, शिफ्टिंग कर रहे हैं, या कुछ आप इन्वेस्टमेंट घर में करेंगे, ये चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है, लेकिन कोई मैजिकल चीज़ आपके घर में हो सकती है, या आपके रिलेशनशिप में भी हो सकती है, ठीक है। और यहाँ पे है टावर, तो येस मुझे लगता है ये बिल्डिंग है, तो आप में से कुछ लोगों के लिए येस मुझे लगता है बैंकिंग और फाइनेंसिस वालों के लिए, प्रॉपर्टी वालों के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, जो बिजनेस वाले लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा फायदा है, प्रॉफिटेबल मंथ है इस मंथ में, इस मंथ में काफ़ी प्रॉफिट मिलने वाला है। आपकी जॉब भी लग सकती है, ठीक है, और कुछ लोगों के लिए घर में आपकी शायद घर में कोई रिन्यूड है, या आपकी चीज़ परचेस कर रहे हैं, कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो भी बेनिफिट होगा। यस, कोई ये मंथ आपके लिए काफ़ी क्रेजी होने वाला है, क्रेजी चीज़ें आपके लिए होने वाली है। यस, मुझे लगता है आपने अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, ईवल आई भी हो सकती है आपके घर पे, आपके वर्क पे, आपके बिजनेस पे, प्लीज़ बी केयरफुल, ठीक है। या ये चीज़ आपने देखना है, लोगों की नज़र हो सकती है आप पे, आपके वर्क पे, आपके काम पे, गॉसिप्स भी इन्वॉल्व हो सकती है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए जो जिनके अंडर आप वर्क कर रहे हैं, बिजनेस जो आपका लेट से बॉस है, उसकी नज़र भी आप पे हो सकती है, तो आपने काम बिल्कुल सही करना है। लेकिन यहाँ पे ये भी लग रहा है कि कोई पावरफुल इंसान की नज़र भी आप पे हो सकती है, कोई इंसान आप में इंटरेस्टेड है, और वो इंसान डेफिनेटली इस लुक लाइक आप दोनों के दरमियान में रिलेशनशिप आगे बढ़ने वाला है। ओके, यहाँ लीफ है यहाँ पे, तो काफ़ी सारी चीज़ें आपके लिए ऑटम में भी चेंज हो रही हैं। एरीज हो सकता है आप जिसके साथ डील कर रहे हो, यहाँ पे एरीज बहुत स्ट्रांगली आ रहा है, जेमिनी आ रहा है, कैप्रिकॉन आ रहा है, कैंसर आ रहा है, पाइसिस आ रहा है, विर्गो आ रहा है, यस टॉरस भी हो सकता है। यस, मुझे लगता है आपको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है यहाँ पे काफ़ी, या अपनी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है आपको, ठीक है। यहाँ पे कुछ म्यूज़िक से रिलेटेड है, आप में से कुछ लोग कोई कॉन्सर्ट भी अटेंड करेंगे, या कोई ऐसी चीज़ अटेंड करेंगे जो म्यूज़िक से रिलेटेड होगा, ठीक है, कोई सेरेमनी, कोई फंक्शन, ठीक है। तो कोई ट्रूथ भी आपको मिलने वाला है, कुछ चीज़ क्लियर होने वाली है आपके लिए, कुछ चीज़ परमानेंट होने वाली है, या आप हो सकता है बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं, आपकी लाइफ में क्लियर हो रही हैं, रास्ते क्लियर हो रहे हैं, डिसीजन कुछ इंपॉर्टेंट भी आपको लेने पड़ेंगे, ठीक है। कुछ हार्श ट्रूथ आपको रियलिटी को फेस करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ चीज़ें आपके लिए आई ओपनिंग हो सकती हैं, आई ओपनिंग कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको आँखें खोल के रख देंगी, ठीक है। अपने इंट्यूशंस को भी आपने ट्रस्ट करना है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। यहाँ पे एलिफेंट भी है, तो कुछ चीज़ें आपको वाइजर बना रही हैं, एक्सपीरियंस्ड आपको बना रही हैं, आपको कोई वाइजर कोई एक्सपीरियंस डिसीजन भी लेना पड़ेगा। ये भी हो सकता है कि आपको किसी और का मशवरा लेना पड़े। यहाँ पे लेटर है AS, ठीक है, ZCV, शायद आपको CV जमा करवानी पड़े बैंक में या कहीं और जगह पर अपने वर्क के लिए। माइनस है और 7 है, ठीक है, 7 डेज के अंदर या 7 वीक्स के अंदर कुछ ना कुछ होगा, आपको मिलेगा। वी हैव जे, जैसिका,
आई डोंट नो, ये लेटर्स आ रहे हैं और यहाँ पे ये डांसिंग शूज़ हैं, तो शायद डांसिंग से रिलेटेड, म्यूजिक से रिलेटेड कुछ चीज़ हो सकता है, या आप कोई इवेंट अटेंड करें, ठीक है, या आप खुद कुछ उसमें कुछ क्रिएट कर सकते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है, क्रिएटिव कुछ करना पड़ेगा। यहाँ पे ये शूज़ आ रहे हैं तो इसका मतलब ये भी है कि कदम आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं, या आपको सही रास्ते पर आप चलना पड़ेगा क्लियरली कि आपको क्या चाहिए। सेवन इज़ अ स्पिरिचुअल नंबर, तो कुछ आपकी लाइफ में स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो रही है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको कट ऑफ करनी पड़ेंगी, ठीक है, आपको खुद भी करना पड़ेगा और माइनस करनी पड़ेंगी बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में, चाहे वो आपके लिए बेटर है, आपकी हेल्थ के लिए, आपकी वाइस के लिए, आपके एक्सपीरियंस के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। तो ये आपकी रीडिंग है, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, बाय गाइस।